सभी दोस्तों को नमस्कार और सुप्रभात। अभी वक्त है सुबह का और आज मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस में कि हम अपने भुटिया डॉग को सुबह का फीड किस प्रकार से देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कुछ सुबह का इस प्रकार से तैयार होता है। यह इसमें है आटा, एक तरफ है गेहूं का आटा, एक तरफ है कोदे का आटा। कोदे का आटा कुछ इस प्रकार से है और जो ये गेहूं का आटा है इसमें मैंने थोड़ा मक्के का आटा भी ऐड करके रखा है। ये काफ़ी हेल्थी है और इसका मैं जो अभी बनाऊंगा अभी सुबह के लिए इनके लिए रोटियां। और जो ये पानी है इसमें मैंने नमक ऐड करके रखा है। प्रकार से आटा गूंद के तैयार है और ये आटे के पेड़े छोटे बड़े ये तैयार हैं और आप देख सकते हो। और ये पत्थर लगा रहे हैं इसलिए कि हमारी आग पीछे ना जाए। एक पत्थर रखूंगा मैं नीचे ताकि क्या है पूरी लकड़ियां ऊपर जलते रहे क्योंकि चूरा थोड़ा हाइटेड है। और अब खाएंगे बड़े चाव से। और ये है बटर मिल्क मट्ठा। ये हो गया हमारा सुबह का डॉग फूड रेडी। कोई मिलावट नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, जो है नेचुरल फूड है जो हमारे पहाड़ों में पहले होता था। अभी भी कहीं कहीं जगह कोदा होता है और हमारे साइड यहाँ कोदा विलुप्त हो चुका है, इसकी खेती हमारे साइड नहीं होती। और जो मैंने ये कोदा लाया मैंने काफ़ी दूर से लाया है, बड़े चाव से खा रहे हैं। Thank you.
पूरा चपट, इसने भी चपट कर दिया है और इसने भी चपट कर दिया। ये अब और ये अब अपने बर्तन को पूरी तरह से चाट रहा है। और हमारे मोहतरमा साहब ने, इन्होंने भी पूरा चपट कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग बताना, क्या मुझे अब बाहर के डॉग फूड में जाना चाहिए जो बाहर से पैकिंग फूड है, या फिर अपना ही पहाड़ का नेचुरल फूड उसी पे रहना चाहिए इन डॉग के लिए, जो कि बरसों से चलता आ रहा है। आप लोग अपनी राय ज़रूर देना कि मुझे कौन से फूड पे जाना चाहिए, पैकिंग फूड या फिर अपना नेचुरल फूड। तो दोस्तों आप लोग बताना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा हो, और बताना कि इस ब्लॉग में अभी क्या क्या चेंजेस बाकी होनी चाहिए थी, और इसके फूड में क्या क्या चेंजेस बाकी है। आप लोग बताना कि आपको यह पार्ट कैसा लगा हो। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।